शहर के उज्जैन जावरा बाईपास स्थित नगर पालिका की मेन पेयजल पाइपलाइन बारिश के कारण टूट गई, जिसकी वजह से पेयजल सप्लाई नहीं हो पाएगा। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत, जल कार्य सभापति प्रकाश जैन, नगर पालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार रात अत्यधिक बारिश होने के कारण उज्जैन जावरा बाईपास स्थित नगर पालिका की मेन पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हुई है, जिसके कारण शहर में पेयजल सप्लाई नहीं हो पाएगा। जल्द से जल्द इस समस्या के निदान के लिए सुधार कार्य नगर पालिका टीम द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर तीनों जनप्रतिनिधियों ने शहरवासियों से सहयोग करने की अपील करते हुए होने वाली परेशानियों पर अपना खेद जताया है। अत्यधिक वर्षा हुई और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी मेन पाइपलाइन जो बाईपास से होकर निकलती है, उस अत्यधिक वर्षा के पानी बहाव के कारण उस हमारी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। हमको सुबह ही हमारे नगर पालिका के अधिकारी का रईस जी का फ़ोन आया, सीएमओ साहब का फ़ोन आया, वैसा विश्वास हो गया। हम सभी लोग, हमारे उपाध्यक्ष जी, हमारे सभापति प्रकाश जैन जी, सुभाष शर्मा जी, सतीश केतवास जी और हमारे सुभाष रावल जी और हमारे पूरे नगर पालिका के सीएमओ साहब, इंजीनियर, हमारे जो भी इस काम को देखते होंगे, हम सब लोग पूरा महकमा तुरंत, क्योंकि ये हमारी मेन पाइपलाइन है जिससे हमारे नगर की सभी अत्यधिक वर्षा के कारण बहाव कारण वो हमारी लाइन पर डैमेज हो गई। हमारी पूरी टीम नगर पालिका, हमारा पूरा महकमा लगा हुआ है। अब ये हमारे प्रवेश व्यास का हूँ, आप दिखाई भी हमारे पूरे कर्मचारी बड़ी तन्मयता से उस काम को कर रहे हैं और निश्चित ही हम उसको जल्दी ठीक करके, हो सकता है हमारी इससे जल्द आज हो सकता है साथ ही हमारी जल सप्लाई प्रभावित होगी। हमारा पूरा महकमा, हमारा पूरा महकमा लगा हुआ है कि हम उसको तुरंत ठीक कर दें। संसाधन जुटाए जा रहे हैं, हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, हम उसको तुरंत ठीक कर दें। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि चूंकि ये वर्षा के कारण पूरे देश में ऐसी स्थिति बन रही है, कुछ स्थिति हमारे में सरकार बन रही है, मेरा सभी नागरिकों से निवेदन है, कृपया कभी इस प्रकार की किसी परिस्थिति हमारे शहर में बनती है तो आप सब लोगों का, हमारी परिषद को, हमारे अधिकारी कर्मचारियों का सहयोग मिले। और अगर मान लीजिए शाम की जल सप्लाई प्रभावित होती है तो उसमें भी आप सब लोगों का, हमारा, हम कुछ अतिरिक्त व्यवस्था भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि जल सप्लाई करने की, हमारा महकमा लगा हुआ है, बहुत जल्दी उसको ठीक कर देंगे। पर मेरा निवेदन है सब समस्त नगरवासियों से, कभी इस प्रकार की स्थिति परिस्थिति हो कृपया आप नगर पालिका प्रशासन का हमारा सहयोग करें। बहुत बहुत गंदा नाला हमारे शहर के मध्य से गुजरता है। यहाँ एक जगह हमारी मेन राइजलिंग लाइन यहाँ से जाती है, जो शहर की सारी टंकियों को भरने का काम करती है। रात में इतना जबरदस्त फ्लड था कि हमारी जो लाइन है वो लगभग डैमेज हुई है। और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से लाइन डैमेज हुई है, वहाँ उसको जो खड़े करने के लिए जो पिलर या जो स्ट्रक्चर था वो कहीं कमजोर था। अगर आप अभी देखेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत चौड़ा और बहुत मजबूत स्ट्रक्चर अलग अलग जगह बने हुए थे, लेकिन पानी का फ्लड इतना जबरदस्त था कि वो पाइप हमारा डैमेज हो गया है। और जैसा कि हमारे माननीय अध्यक्ष प्रतिनिधि जी ने बताया है कि आज शाम की सप्लाई लगभग शहर में सब जगह प्रभावित होगी। हम प्रयास करेंगे कि कल सुबह की और उसके बाद की सप्लाई हम निरंतर और ठीक तरीके से दे सकें, लेकिन अभी मुझे लगता है कि 2-1 घंटे में बहुत सारी परिस्थितियाँ हमारे सामने साफ होगी। संसाधन हमारे आने वाले हैं और पूरी टीम हमारा अमला अभी फिलहाल यहाँ काम पे लगा हुआ है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस संकट की घड़ी में आप सब हमारा साथ दीजिए और हमारी मदद कीजिए। हम प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ अल्टरनेट तरीके से आपको पानी की व्यवस्था हम करें, किसी तरह की आपको कमी ना रहने, लेकिन उसके बावजूद हमको खेद भी है। हम आप सबसे क्षमा प्रार्थी भी हैं कि इस तरह की परिस्थितियों के कारण कई बार हम आपको समय पर पेयजल उपलब्ध नहीं करा पाते। मुझे विश्वास है कि आप सब हमको क्षमा भी करेंगे और हम सब पूरी नगर पालिका की मदद भी करेंगे। धन्यवाद भैया। आज जैसे ही सुबह हमारे रईस, हमारे कर्मचारियों को जैसे मालूम पड़ा, उन्होंने तुरंत हमको सूचना करी कि भाई साहब, जो बड़े नाले के पास से हमारी एक मेन लाइन जो पूरे नाले की पानी की टंकी से लाइन दो जगह से वो डैमेज हो गई। डैमेज होने के कारण से तुरंत हमारा पूरा अमला आकर के उस काम को तुरंत दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है, ताकि जल्दी से जल्दी ये
लाइन सही करें और हम हमारा एक पानी की जो सप्लाई होती है उसको हम हमारे नगर वासियों को पानी की दिक्कत नहीं आए, इसलिए हमारा पूरा हमला लगा हुआ। इसी कार्यक्रम के तहत हमारे नगर पालिका अध्यक्ष ओपी गहलोत जी, हमारे जल समिति के चेयरमैन प्रकाश जी, सीएमओ साहब, हमारे पार्षद सतीश केतवा जी और हमारी पूरी टीम तुरंत लगी हुई है। जल्दी से जल्दी हम इसको ठीक करेंगे और नगर में पानी की व्यवस्था दिक्कत नहीं आए। अगर कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत आए भी तो मैं नगरवासियों से भी आग्रह करता हूँ कि उस चीज़ को समझें और वैसे हम पानी की सप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये हमारा दो चार घंटे के अंदर अभी हमारे और अधिकारी आ रहे हैं और साधन संसाधन आ रहे हैं, उनसे हम जल्दी से जल्दी इसको ठीक कराएंगे।